मैं उमेश माथुर, माथुर क्लासेस और फवी इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। डेली क्वेश्चन की सीरीज में पिछला क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दिया था, रैखिक समीकरणों √3x + √13 / −√12 = 0 और √5x - √17 / −√20 = 0। सॉल्व क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ इंस्पेक्शन से देखते हैं, निरीक्षण द्वारा देखते हैं। यहाँ क्या है, एक्स का गुणांक कोफिशेंट ऑफ एक्स √3 है। कोफिशेंट ऑफ एक्स को अपन ए लिख लेते हैं और कॉन्स्टेंट टर्म −√12 है। −√12 इसको लिख सकते हैं −2√3। ये तो फर्स्ट इक्वेशन की बात हो गई। सेकंड इक्वेशन में एक्स का कोफिशेंट √5 है और कॉन्स्टेंट टर्म −√20 यानी −2√5 है। यानी कि एक्स का गुणांक और अचर पद दोनों में अनुपात समान है, और ऐसी स्थिति हो तब हमेशा y = 0 होता है। और y = 0 हो गया तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया √12/√3 यानी x = 2 आ गया। दोबारा से, यदि x का गुणांक और अचर पद दोनों में समान अनुपात हो, दोनों समीकरणों में x का गुणांक और अचर पद में अनुपात समान हो तो हमेशा y = 0 होगा। तो इन सॉल्यूशन इनका सॉल्यूशन क्या आ गया, x = 2 / y = 0, ये सॉल्यूशन आ गया। इस थीम को अलग से देखते हैं। यदि समीकरणों a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 में a1/c1 = a2/c2 हो, तब y का मान सदैव 0 होता है। इस स्थिति में समीकरणों का हल, y = 0 आ गया, x का मान फिर क्या करेंगे, y = 0 रख दो तो x बराबर कितना आ गया, −c1/a1 y = 0 ये होता है। देखिए और एग्जांपल लिखता हूं, 3x + √5 / −12 = 0 और 5x + 7 / −20 = 0। प्लस भी कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं, प्लस माइनस कुछ भी सिंबल। अब यहां देखें, x का गुणांक 3 है, अचर पद 12 है, 4 गुना हो गया। x का गुणांक 5 है, y का गुणांक वो अचर पद 20 है, कॉन्स्टेंट टर्म इज 20, 4 टाइम्स हो गया। का हल सॉल्यूशन y = 0 और x = −4। तो इस तरह से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, तरीके से कर लें आप। तरीके से क्या करें, x को गुणांक सेम बना लें पहले, यहां 5 से मल्टीप्लाई कर दें और यहां 3 से मल्टीप्लाई कर दें,
फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15x, यहाँ भी 15x आ जाएगा, और वहाँ कितना आ जाएगा, 12 × 5 = 60, 20 × 3 = 60, सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक्स वाला पद भी क्या एलिमिनेट हो गया, कैंसिल हो गया, और अचर पद भी, तो क्या बचेगा, बाई वाली टर्म बचेगी, समथिंग इंटू बाई इक्वल टू जीरो मीन्स बाई इक्वल टू जीरो। इसी प्रकार अगर ऐसा हो, बाई का गुणांक और अचर पद उनमें अनुपात अचर हो तो एक्स बराबर जीरो होता है। यदि समीकरणों a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 में b1/c1 = b2/c2 हो, तब सदैव ax = 0 होता है, यानी अब x का मान 0 आ जाएगा। और स्थिति में सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x = 0 रखा तो y = -c1/b1 आ जाएगा। इस स्थिति में समीकरणों का हल x = 0, y = -c1/b1 या कह सकते हो -c2/b2, ये सॉल्यूशन हो गया। न्यूमेरिकल देख सकते हैं, एग्जाम्पल समीकरणों 3x - 2y + 4 = 0, √5x + √3y - √12 = 0। अब देखें, पहली समीकरण में y का गुणांक -2, अचर पद 4 है, दुगना है और नेगेटिव साइन है। सेकेंड इक्वेशन में बाई का गुणांक √3 है, कॉन्स्टेंट टर्म डबल 2√3 यानी कि √12 और विद नेगेटिव साइन है। तो इन समीकरणों का हल क्या होगा, x = 0 रख दिया क्योंकि बाई का गुणांक और अचर पद में अनुपात समान है, तो बाई की वैल्यू 2 आ गई। बहुत यूजफुल है, बहुत जगह यूज होते हैं, तो आप याद रखेंगे, एक्स का गुणांक और अचर पद में अनुपात समान हो दोनों समीकरणों में तो y = 0, और y का गुणांक और अचर पद में अनुपात समान हो दोनों समीकरणों में तब x = 0। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब एक मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन। यदि 3×3 कोटि के मैट्रिक्स ए का सेकंडज मैट्रिक्स पी बराबर ये हो तथा सारणिक ए बराबर 4 हो तो अल्फा का मान है। इफ पी इक्वल टू दिस मैट्रिक्स इज द एडजॉइंट ऑफ ए 3×3 मैट्रिक्स ए एंड डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 4, देन वैल्यू ऑफ अल्फा इज। आपके लिए होमवर्क है, बिल्कुल छोटे से कॉन्सेप्ट पर आधारित है, तो सभी आज ट्राई करेंगे, आंसर लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिर आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, सभी को नमस्कार।